संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि यह घर में धन सुख समृद्धि देते हैं। देवी लक्ष्मी के बारे में ऐसी कई बातें हैं जो कम ही लोग को पता है। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में और उनके साथ किनकी पूजा करना चाहिए और लक्ष्मी जी के किस सवारी का दर्शन पूजा के शाम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दोस्तों, इसे बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर रोज आते हैं। देवी लक्ष्मी का एक नाम कमला है क्योंकि वह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है। इनके हाथों में भी कमल का पुष्प रहता है क्योंकि इनका जन्म सागर से हुआ है ऐसा माना जाता है और भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन भी है। जल क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण इसके प्रिय पुष्प भी वही है जो जल में उत्पन्न हुआ है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति में हाथियों को भी दिखाया जाता है। दरअसल यह गज लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी लक्ष्मी के साथ हाथी का संबंध जल और जीवन दोनों दर्शाता है। देवी लक्ष्मी का संबंध जल और कृषि दोनों से है जो कि जीवन का आधार माना जाता है। हाथी वर्षा का प्रतीक माना जाता है जो कि धन और धान दोनों की वृद्धि करता है। देवी लक्ष्मी की सवारी हाथी के अलावा उल्लू भी है। उल्लू माता लक्ष्मी की वाहन है। जय माँ लक्ष्मी पूरे जगत की भ्रमण करती है इसी उल्लू से। देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन और लक्ष्मी हमेशा देवी लक्ष्मी के साथ होती है, इसलिए जहाँ सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होता है वहाँ धन होता है लेकिन सुख समृद्धि नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि विष्णु के होने पर अलक्ष्मी दूर हो जाती है। और इस दिन अगर आपको उल्लू दिख जाए रात में तो आपके लिए अति उत्तम माना गया है। इसका वर्णन भी भविष्य पुराण में विस्तार से किया गया है। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।